अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज ये मेरा पहला व्लॉग है। आज हम लोग आए थे, हम लोग नहीं, मैं आया था सैर करने के लिए फॉर रनिंग। तो मेरी रनिंग तो हो चुकी है, अब घर जा रहे हैं। तो मैंने सोचा आपको भी बता दें, क्योंकि सुबह सुबह की रनिंग बहुत अच्छी होती है। और हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत कोहरा छाया हुआ है। 7 अभी वक्त बज रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 7 बज रहे हैं, अभी भी हल्का हल्का सा ठंड है। और सुबह सुबह आए थे बस सैर करने के लिए। हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ पिंडरा रोड में यहाँ अच्छी खासी ठंडी पड़ जाती है जी। बस मुझे लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करेंगे तो तभी बात बनेगी। ये मेरा पहला व्लॉग है, तो कोई भी गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तो व्लॉग स्टार्ट किया है ना, धीरे धीरे और एक्सपीरियंस होते जाएगा। मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत नज़ारा है। एक मिनट ना, मतलब सुबह सुबह आने में कितना मज़ा आता है पता है, वो अंदर की फीलिंग्स आ जाती है और एकदम वर्कआउट अच्छे से हो जाता है। सुबह सुबह आओ, रियाज भी अच्छी हो जाती है, सांस भी फूलने नहीं लगता और सेहत भी अच्छी बन जाती है। तो बस यही चीज़ है। अब तो एक दिन या दो दिन गैप में मैं ब्लॉग डालते रहूँगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हम और फैमिली बना सकें। क्योंकि यूट्यूब आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने भी सोचा मैं भी ब्लॉग में आ जाता हूँ, क्यों, सही कहा ना जी। अभी हम हैं पिंडरा रोड गौरेला, ये गर्ल्स कॉलेज अभी कहते हैं जिसको, वही रोड है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। अभी अच्छा खासा डेवलप्ड हो गया है, पहले ऐसा नहीं था, पहले छोटा सा कस्बा था, अभी तो ज़िला बन गया, अभी नया नया हुआ है, तो नया नया ज़िला है, तो नए नए लोगों से अब हमारा भी कांटेक्ट होगा जी। ये व्लॉग है, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप लोगों से गुजारिश है। और आप लोग बताइएगा किस टाइप का व्लॉग आपको भी ये पसंद है, आप लोग बताइए, फिर उस तरह का मैं व्लॉग लाते रहूँगा। सुबह सुबह है, ठंड अच्छी खासी पड़ जाती है पता है यहाँ जी। मज़ा आ रहा है लेकिन आप लोग से बात करते हुए, पहला व्लॉग है, ऐसा लग नहीं रहा है कि पहला व्लॉग है, लग रहा है कि मतलब डेली बनाते रहता हूँ। और आप लोग मेरे एक और चैनल से जुड़ सकते हैं, मूसा अली ऑफिशियल से, उससे भी ये आपको अच्छे अच्छे नात और मनकबत सुनने को मिलेंगे जी। मैं एक्चुअल में सिंगर हूँ, तो गाते रहता हूँ, आप लोग देखिएगा प्लीज़, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये वाले चैनल को अभी ख़ास कर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ना बहुत ज़रूरी है सब्सक्राइबर की, क्योंकि पहला व्लॉग है, तो आप जान ही सकते हैं क्यों ज़रूरी है जी। काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी तो फ़िलहाल लोग ज़्यादा नहीं आते हैं, पहले बहुत आते थे, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग भी आना कम हो जाते हैं। एक ही दो लोग आपको दिखेंगे और कोई नहीं दिखेगा, एकदम सन्नाटा है रोड, देखिए ज़्यादा लोग आपको नहीं दिखेंगे। ये दो गाय हैं, दो गाय देख सकते हैं आप, बस यही लोग मिलेंगे और कोई नहीं है। क्या है, इधर थोड़ा गांव साइड पड़ जाता है ना, तो लोगों को अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। धीरे धीरे अगर डेवलप होते जाएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ब्लॉग भी कोई चीज़ होती है, लोगों को पता है हालांकि, लेकिन अभी उतना नॉलेज नहीं है, थोड़ा गांव एरिया पड़ जाता है ना। यहाँ से कुछ दूर में बिलासपुर है, तो वहाँ ठीक है, वहाँ थोड़ा डेवलप्ड एरिया है और शहरी है थोड़ा, तो वहाँ के लोग ठीक हैं। यहाँ भी देखते हैं आप लोग कहाँ तक पहुँचाते हैं इस ब्लॉग को, अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे।
ये देखिए पैरा, इसको पैरा बोलते हैं। ये धान जब कट जाती है, चावल निकल जाता है, तो इसमें इसको ऐसे जमा देते हैं। अभी तो इसमें कोहरा जमा हुआ है। बचपन में हम लोग जब थे तो बहुत खेलते थे इस पे। बस थोड़ा सा रनिंग भी कर लेता हूँ मैं।